आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप से होती हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइसोमराइजेशन, पेरीसाइक्लिक और कंडेंसेशन। देखिए वन बाय वन क्या मतलब है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक ग्रुप यदि जाएगा तो दूसरा ग्रुप आएगा। वो ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या सिंपल एटम भी हो सकता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल है, जैसे सपोज लिया हमने CH3Br और यहाँ पर एक नेगेटिव बॉडी CN ली हमने। ये HCN हो सकता है, KCN हो सकता है, हमने सिर्फ CN को हाईलाइट किया है। तो CH3Br में से ये Br जाएगा और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा CN, तो क्या बना CH3CN और ये जो Br माइनस है अलग हो जाएगा। यदि ये KCN होता तो उसके K के साथ मिलकर के Br KBr बना के आउट हो जाता। तो आपने क्या सीखा कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक गया एक आया, तो ऐसी रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड है एडिशन रिएक्शन, इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। देखिए जैसे यदि मैंने लिया इथीन या इथाइलिन, डबल बॉन्डेड है CH2 CH2, इसमें Br2 को यदि आप रिएक्शन कराते हो तो दो Br, एक Br इस कार्बन पर और एक Br इस कार्बन पर आकर लग जाएगा और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये अनसेचुरेटेड था, ये सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना। ठीक है, तो इसमें एडिशन हुआ है, जस्ट ना कुछ निकला ना कोई और टर्म बना। ठीक है, सिर्फ ऐड हुआ है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। थर्ड देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा, कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा वो एलिमिनेट होगा, मींस निकलेगा। देखिए ये दो टाइप से होता है, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन और एक होता है बीटा एलिमिनेशन। देखिए एक है अल्फा एलिमिनेशन और दूसरा है बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन देखिए, जैसे सपोज ये एग्जांपल है मेरा, कार्बन इधर, हाइड्रोजन CH3, इधर H, इधर OH, है ना, इस तरीके से इथाइल अल्कोहल का हमने केस लिया। यदि कॉपर कैटलिस्ट डाला और 573 केल्विन पर हमने इसको गर्म किया तो क्या होगा, एक ही कार्बन से ये दो हाइड्रोजन जो हैं दोनों निकल गए, एलिमिनेट हो गए और हाइड्रोजन बना और ये वाला जो ग्रुप है वो हो जाएगा CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। तो एलिमिनेशन तो हुआ जब दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक ही कार्बन से निकलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, देखिए जैसे ये कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है, ये CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इस कार्बन का H और इस कार्बन का OH ये मिलकर के क्या बना के H2O बना के आउट हो गया और अदर कंपाउंड जो है वो सेट होकर के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हमने देखा कि एलिमिनेशन इसमें भी हो रहा है, जा इसमें से भी रहे एटम या ग्रुप ऑफ एटम बट डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के, तो ऐसा एलिमिनेशन है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सपोज ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या होगा कि यदि आप इसको सिंपल गर्म करते हो या करस्पॉन्डिंग कैटलिस्ट डालते हो तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला वही रहेगा, ये जस्ट रीअरेंज हो जाते हैं। देखिए जैसे इसमें N और H ये चेन में आ जाते हैं, CH3 NH चेन में आ गया, बाकी C डबल बॉन्ड हो, ये O इससे जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, तो CO और यहाँ पर CH2 CH3 एज इट इज, इधर पे आप एज्यूम करिए ये यहाँ है CH2 CH3। ठीक है, तो रीअरेंज हुआ, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो रीअरेंजमेंट के एक पैटर्न है। ठीक है, अगला आइसोमराइजेशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 कार्बन के साथ दिया तो 1-bromobutane बोलेंगे हम। ठीक है, जब आप इसमें ड्राई AlCl3 डालते हो और इतने टेम्परेचर पर जब आप इसको गर्म करते हो तो ये जो Br है इस कार्बन को छोड़ के इस कार्बन पर आ जाएगा। ये देखिए, तो अब Br की पोजीशन बदल गई, यहाँ पे फर्स्ट पे था तो इसलिए बोला था 1-bromobutane, यहाँ पे अब 2 पे आ गया तो 2-bromobutane हो गया। तो ये और ये यदि आप इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला देखो तो सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होने से, पोजीशन चेंज हो जाने से ये आइसोमर्स बन गए। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट है देखिए पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक में दो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स जब करस्पॉन्डिंग या फेवरेबल कंडीशंस में जब ऐड होते हैं तो वो साइकिल के वे में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ अदर प्रोडक्ट बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस।
अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जैसे मैंने लिया कि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड दो एल्डिहाइड लिए, इसके एसिड एल्डिहाइड के दो पार्टिकल्स लिए NaOH के प्रेजेंस में, तो ये दोनों एल्डिहाइड आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होकर के न्यू कंपाउंड बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ, ये क्लियर नहीं है इस बुक में, देखिए CH3 और CHO, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ CO और यहाँ पे मैंने लगाया H, ठीक, प्लस एक और दो पार्टिकल है तो इसको मैंने फिर से लिखना है। अब CH3 को मैं ऐसे लिख रही हूँ CH2 और ये H, लिख सकते हैं CH3 और CHO ऐसे लिखा, तो दो एल्डिहाइड के पार्टिकल्स को आप जस्ट क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये H आ जाएगा यहाँ और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, देखिए CH3 एज इट इज C, अब ये O था और यहाँ पर आकर के H लग गया, ठीक, यहाँ पे H ऑलरेडी है और ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया CH2 और CHO, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें बैलेंस तो ये हो गया, ठीक है, और अब इसमें CHO ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम बोलते हैं एल्ड, एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमने एल्ड बोला और अल्कोहल के जो सफिक्स लगता है इसके रिस्पेक्ट में जो IUPAC सफिक्स है उसको बोलते हैं ऑल, तो इस तरह से दोनों को जोड़ दो तो इसको बोलते हैं एल्डोल, मतलब इसमें कंडेंसेशन के थ्रू एल्डिहाइड के दो पार्टिकल्स जुड़ करके एल्डोल बनाते हैं, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन भी हम कह सकते हैं।